नमस्कार, दिस इज़ एसके यालो। दिस इज़ सेकेंड वीडियो अबाउट नाउन। इन द प्रीवियस वीडियो में मैंने नाउन और उसके बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में रखा है, तो जो भी छात्र नए हैं उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं नाउन के नेक्स्ट टॉपिक, मतलब नेक्स्ट जो कंसेप्ट है नंबर के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। दिस इज़ ए वेरी कॉमन टॉपिक एंड आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन को सिंपली एस या ईएस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है, तो उसी चीज़ को हम लोग कुछ बेहतर तरीके से पढ़ने वाले हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको नाउन के जो काइंड्स है उसको एक बार रिवाइज करा देना चाहता हूं, ताकि आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना रहे। जैसे कि सिंपली कोई भी चीज़ रोड पर दिख रही है तो वो नाउन है, उसका नाम प्रॉपर नाउन है, उसका जो कैटेगरी है मतलब कॉमन, वो बॉय है या गर्ल है या कॉमन सी बात है तो वो कॉमन नाउन हुआ, उसने उसकी शर्ट बहुत सुंदर है या उसकी शर्ट लाल रंग की है तो ये मटेरियल नाउन हुआ, वो चार लोगों के साथ जा रहा है तो कलेक्टिव नाउन हुआ, उसका थॉट उसका एटीट्यूड अब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। तो ये एक नाउन के काइंड्स का बेसिक एग्जाम्पल था। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो नंबर के बारे में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो नंबर का यहाँ पर डेफिनेशन है, नंबर इंडिकेट हाउ मेनी पर्सन और ऑब्जेक्ट आर बीइंग रेफर्ड टू। मतलब नंबर का काम है कि उसमें कितने नंबर हैं, एक है या एक से अधिक है, इसी बात को दिखलाता है नंबर। तो नंबर दो तरह के होते हैं। द फॉर्म ऑफ दैट इंडिकेट्स ओनली वन पर्सन, जो सिर्फ एक पर्सन के बारे में इंडिकेट करता है उसको सिंगुलर कहते हैं। द फॉर्म दैट इंडिकेट्स मोर देन वन इज कॉल्ड प्लूरल, जो एक से अधिक के बारे में इंडिकेट करता है उसको प्लूरल कहते हैं। जैसे एग्जांपल बॉय, बॉय एक को इंडिकेट कर रहा है तो ये सिंगुलर हुआ, और इसको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग सिंपली इसमें एस लगा देंगे तो ये बहुत सारे को इंडिकेट करेगा, ये प्लूरल हुआ। अब यहाँ से सिंगुलर से प्लूरल बनाने का जो रूल है, जो वेरी कॉमन रूल है, वो पहला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि नाउन जिसके अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो। तो कॉन्सोनेंट आपको पता होगा और वोवल के बारे में और कॉन्सोनेंट के बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे, तो उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। जैसे कि ए ई आई ओ यू, ये पांच हमारे वोवल हैं और इसको छोड़ बाकी जितने भी हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो इसका रूल यही बोल रहा है कि नाउन जिसका अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो उसके एंड में सिर्फ एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे इस अलार्म को देखिए, अलार्म का अंतिम जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए सिंपली हम इसमें क्या ऐड करेंगे, एस ऐड करेंगे। उसी तरह से आर्म, आर्म का अंतिम लेटर भी कॉन्सोनेंट है, इसको प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ एस ऐड करेंगे। बुक, बुक का अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट, उसको भी प्लूरल बनाने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं एस ऐड किया गया है। उसी तरह डेस्क का डेस्क, डॉल डॉल्स, फादर फादर। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हमको समझ में आया कि कोई भी नाउन हो जिसका अंतिम अक्षर अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट हो तो उसको प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ एस ऐड करेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले रूल की तरफ। नाउन जिसका अंतिम अक्षर एस डबल एस एस एच सी एच और एक सो, तो उसके एंड में ई एस लगाकर प्लूरल बनाएं। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, आर्च, आर्च का अंतिम लेटर सी एच है तो इसको प्लूरल बनाने के लिए आपको इसमें ई एस ऐड करना पड़ेगा। जैसे बेंच, इसमें अंतिम लेटर सी एच है तो इसको प्लूरल बनाने के लिए आप ई एस ऐड करेंगे। उसी तरह से यहाँ पर एस, एस में भी लास्ट में इसके दोनों लेटर डबल एस हैं तो इसको प्लूरल बनाने के लिए आप यहाँ पे ई एस ऐड करेंगे। उसी तरह से टैक्स, टैक्स में भी लास्ट में एक्स होने के कारण इसको प्लूरल बनाने के लिए आप सिर्फ ई एस ऐड करेंगे। तो इस रूल से हमको ये पता चलता है कि नाउन जिसके अंत में एस डबल एस एस एच सी एच और एक्स हो उसको प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ ई एस का यूज किया जाता है। रूल थर्ड पर देखते हैं। नाउन जिसका अंतिम अक्षर ओ हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो उसको ई एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, एडो,
एडो में ये लास्ट ओ वोवेल हुआ और डी कॉन्सोनेंट हुआ। ये रूल कह रहा है कि यदि लास्ट में ओ हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो तो आप इसको प्लुरल बनाने के लिए ई एस का प्रयोग करेंगे, मतलब उस नाउन के एंड में आप ई एस जोड़ेंगे। जैसे मैंगो, मैंगो में ओ लास्ट में आ रहा है, उसके पहले कॉन्सोनेंट है तो इसको प्लुरल बनाने के लिए ई एस का प्रयोग किया जाएगा। उसी तरह से हीरो, हीरो के लास्ट में ओ है और उसके पहले कॉन्सोनेंट है तो उसको भी प्लुरल बनाने के लिए ई एस का प्रयोग किया जाएगा। उसी तरह से पोटैटो, पोटैटो का लास्ट लेटर ओ है और उसके बाद कॉन्सोनेंट है तो इस रूल के अकॉर्डिंग इसको प्लुरल बनाने के लिए आप ई एस का प्रयोग करेंगे। तो इस रूल के अकॉर्डिंग आपको पता चलता है कि यदि नाउन जिसका लास्ट लेटर ओ है और ओ होने के साथ साथ ओ के पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए, यदि कॉन्सोनेंट है तो उसको प्लुरल बनाने के लिए आप ई एस लगाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी नाउन हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो उसको एक्सेप्शन में रखा जाता है। तो उस एक्सेप्शन में कुछ एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसे कैंटो, कैंटो का लास्ट लेटर ओ है और उसके भी पहले कॉन्सोनेंट है लेकिन यह रूल को फॉलो नहीं करता है, इसमें सिंपली प्लुरल बनाने के लिए सिर्फ एस का प्रयोग किया जाता है। तो ये एक्सेप्शन आपको याद रखने पड़ेंगे। तो उसी तरह से यहाँ पर सिंपली सिर्फ एस लगाया गया है। नेक्स्ट फोटो, फोटो में भी सिर्फ एस लगाकर प्लुरल बनाया जाता है। नेक्स्ट डायनेमो, डायनेमो भी एक्सेप्शन में आता है। और जीरो, मतलब ये कुछ एग्जांपल मैं आपको बतलाया हूँ जिसको प्लुरल बनाने के लिए आप सिर्फ सिंपल रूल सिर्फ एस लगाकर प्लुरल बनाएंगे, उसको इस रूल को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया नाउन जो नंबर है उसके अंतर्गत आप प्लुरल कैसे बनाएंगे। मैंने कुछ रूल्स को यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है, उसका अगला भाग मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो के एंड में मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। जैसे कि नाउन जो सिंपली नाउन है उसको हम लोग प्लुरल बनाने के लिए सिर्फ एस का यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल में हम लोगों को पता चला यदि नाउन के लास्ट में एस, डबल एस, एस एच, सी एच और एक्स हो तो इसको प्लुरल बनाने के लिए आप ई एस ऐड करेंगे लास्ट में। रूल थर्ड में हम लोगों ने पढ़ा कि नाउन जिसका अंतिम अक्षर ओ हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो तो उसको प्लुरल बनाने के लिए आप ई एस ऐड कर रहे थे। उसके बाद आपको कुछ एक्सेप्शन में नाउन पढ़ने को मिले। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।